सबसे पहले तो मैं बॉस और सी की सभी फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया सी की फैकल्टी की एक यूनिक बात यह है कि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं वो जब भी आपको मिलेंगे ना तो वो आपको आपका स्कोर पूछेंगे आपको मोटिवेट करेंगे आपको बताएंगे कि आपकी जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारो और सच बताऊँ तो मेरा स्कोर असली में एंड में ही बढ़ा था एंड के जो दंगल हुए थे और बायोकेम फिजिक्स सीखो उसके पहले ज़्यादा खास नहीं था सर उसके एंड uh, के वो पेपर हुए थे ना उसमें वो एकदम एन बेस्ड uh, पेपर थे फिजिक्स को बायो पॉइंट टू पॉइंट एन सी बेस्ड पेपर थे और उससे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरा स्कोर जो पहले सिक्स थर्टी सिक्स ट्वेंटी बन रहा था एंड में जाके वो सिक्स एट्टी के करीब आ गया था एंड लास्ट के दो तीन पेपरों में सिक्स सेवेंटी फाइव सिक्स एट्टी सिक्स और इससे और इसकी एक बात और है कि जब भी शुरू में जो पेपर में गलतियाँ होती थी तब भी है ना जब बॉस मीटिंग करते थे हर टेस्ट के बाद में बॉस मीटिंग करते थे एंड में तो वहाँ पे भी वो मेडल पहनाते थे तो बोलते थे कि है ना इसको इम्प्रूव करो और ऐसे मोटिवेट करते थे तो ऐसे है ना अब कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया और हमेशा एनर्जेटिक रखा ताकि बच्चे को कभी दिक्कत नहीं हो और वो एकदम अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटैम्प्ट कर सके और उसका परिणाम ये हुआ कि नीट का जो पेपर हुआ था उसमें भी मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आई मैंने पूरी मेरी दिमाग के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो पेपर अटैम्प्ट किया और जैसा कि एंड में रिजल्ट आ रहा था सिक्स सेवेंटी फाइव सिक्स उसके करीब ही और सुनील सर ने भी है ना कभी मेरे को दिक्कत नहीं आने दी कभी भी कोई भी ऐसे जैसे ऑनलाइन था तो ऑनलाइन में कभी थोड़ी बहुत हो जाती है जब भी फोन करते तो वो ऑनलाइन था, आप था हाँ जब भी मैं फ़ोन करता तो मतलब पॉइंट वो एक मिनट के अंदर वो सॉल्व हो जाती थी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने थी ये सोच रहे हैं कि बोर्ड में ना नंबर नहीं आते तो उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचें बोर्ड में तो नंबर फिर वो जब भी साथ में पढ़ाते हैं तो आ ही जाते हैं थैंक यू डियर